हाय व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम आपको बताएंगे कि रेस्टोरेंट जैसा बटर चिकन घर पर कैसे बनाएं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बटर चिकन का मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर ली है 1 किलो चिकन, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 100 ग्राम दही। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को चिकन में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट और दही। हमने चिकन के साथ सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है, हम बटर चिकन की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 25 से 30 काजू, 4 टेबलस्पून मलाई, 3 टेबलस्पून बटर, हरा धनिया, 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी, 1 टेबलस्पून केचप यानी कि टोमेटो सॉस, 5 इलायची, 4 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज और 4 मीडियम साइज से कटे हुए टमाटर। यहाँ पर हम एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। इसी के साथ हमने जो 3 टेबलस्पून बटर लिया था, उसमें से 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। अब इसमें इलायची ऐड करेंगे। इलायची डालने के कुछ सेकेंड बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारी प्याज सॉफ्ट होने लगी है, इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और ऐड करेंगे काजू। अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और 1/4 कप पानी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को लो करके इन्हें ढक कर 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने के बाद हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारे प्याज और टमाटर ठंडे होते हैं, हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और इन्हें गर्म होने देंगे। अब देख सकते हैं कि तेल और बटर अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी ही देर में चिकन में से पानी रिलीज़ होने लगेगा। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसे ढक कर 10 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन में से पानी रिलीज होने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक इनका पानी सूख ना जाए। इसी के साथ हमने जो मसाले ठंडे किए थे, उनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसी के साथ इसका पानी भी सूख चुका है। अब हम इसमें हमारा तैयार किया हुआ पेस्ट ऐड करेंगे और इसे चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे भुनी हुई कसूरी मेथी और गरम मसाला। इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। यहाँ पर आप मलाई की जगह फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक पकने देंगे। अब 5 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इन्हें ढक कर 15 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ पर अब हम चिकन को चेक करेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल तैयार है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हमारा बचा हुआ 1 टेबलस्पून बटर और इसे ढक कर बटर को मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर हमारा बटर चिकन में अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है रेस्टोरेंट जैसा घर पर बनाया हुआ बटर चिकन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।